मैम अटेंडेंस बहुत कम है मैम। बाकी लोगों का लेक्चर्स वगैरह है क्या अभी? सिद्धि मैम आप अवेलेबल हैं? ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में 10 सम तक हो गया था। साइन 4x इंटू कॉस 3x तक हमने सॉल्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। फॉर्मूलाज वगैरह याद है आप लोगों को सबको? वेदिका, ओमकार, अंकुश, अभिषेक, फॉर्मूलाज याद है आप लोगों को सबको? यस सर। सर्कल फिजिक्स का टेस्ट है शायद, इसके लिए ज्यादा लोग नहीं आए हैं। तो ऐसा है तो लेक्चर्स नहीं होना चाहिए था फिर। कैसे चलेगा ऑनलाइन लेक्चर्स है? तुम लोग एक तो वैसे भी बहुत केयरलेस हो गए। फिर थर्ड सम देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम पेज नंबर 102। एक्सरसाइज 3.1 सो फर्स्ट सम यहाँ पे क्या दिया है देखो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस सॉरी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स है। सो सम सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है वो याद रखो आप लोग। जब कभी भी याद रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होता है। जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों का पावर सेम होता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ नोट ये। सो यहाँ पे लिखोगे इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। पावर ऑफ डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर इक्वल होता है तो अरेंज करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा। देन अरेंज न्यूमरेटर लाइक डिनोमिनेटर। ठीक है तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा है पॉइंट इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर देन अरेंज न्यूमरेटर सॉरी देन अरेंज न्यूमरेटर लाइक डिनोमिनेटर। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि जब पावर न्यूमरेटर का ज्यादा होता सॉरी इक्वल होता है तो अरेंज करना होता है। सेकेंड पॉइंट है इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर देन परफॉर्म डिविजन। ठीक है
तो अगर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तो क्या अरेंज करना है, मतलब क्या क्या करना है आपको, डिवीजन करना है। डिवीजन कैसे, ये जो आप लोग करते हो डिवीजन, यहाँ पे ये क्या होता है, डिविडेंड होता है, ये क्या होता है, डिवाइजर, ये क्या होता है, कोशंट। और ये क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, सो डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट और रिमाइंडर। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे। ठीक है, सो ये दो पॉइंट अच्छे से याद रखो, जब दोनों का पावर सेम होता है तो अरेंज करना है, जब न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन होता है तब डिवीजन करना है। डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से ग्रेटर देन मतलब वैसे नहीं ही आता है। ठीक है, तो ये जो है दो पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद रखो। तो अब बताओ, ये जो है फर्स्ट सम, इसमें दोनों का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो क्या करोगे बताओ आप लोग, अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे, जैसा जैसा न्यूमरेटर, जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही न्यूमरेटर को भी अरेंज करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे आप लोग लिखो, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना अरेंजमेंट करते हैं, तो देखो ये एक्स के साथ में प्लस टू है, सो न्यूमरेटर में भी प्लस टू करो। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू, अगर हमने प्लस टू लिखा है तो माइनस टू भी लिखना है, अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। इतना समझा सबको, समझा कि नहीं समझा ये पार्ट? हाँ, सो अरेंजमेंट करने के बाद ना स्प्लिट करना है, अरेंजमेंट करने के बाद क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू, माइनस ऑफ टू अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, वन। सो इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, वन है, सो वन इंटू डी एक्स माइनस टू जो है ये कॉन्स्टेंट है, मैं तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स हो जाएगा। कोई डाउट अब तक, देख लो ये एक बार ध्यान से, स्टार्टिंग से रिस्पॉन्स सबका आना चाहिए। हाँ, नो डाउट सर। हाँ अच्छा, ये देखो अब वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ टू ऐसे ही रहेगा। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है आप लोग, लॉग एक्स होता है। बट यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कभी भी याद रखो, जब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है और 2 का डेरिवेटिव 0 है, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर में होता है तो उसको लॉग मॉड में लिख देना है, मतलब 1 अपॉन x के फॉर्मेट में है ना, तो उसको हम लॉग मॉड ऑफ x लिख सकते हैं। सो ये लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा, प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सम समझा सबको अच्छे से? महालक्ष्मी, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। देखो ये कैसा हो जाता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स आता है, प्लस सी। ये एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है महालक्ष्मी, वन। हाँ, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। तो जब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसको लॉग मॉड में लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी ध्यान से रखो, अभी x का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, वन, और टू का जीरो। हाँ, तो इसका मतलब ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसको लॉग मॉड में लिख दो। ओके सर। हाँ अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट सम क्या है, अगर अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होता है ना कि कैसे क्या अरेंज करेंगे, अब ये तो कैसे सिंपल था कि अरेंजमेंट इसमें क्या करना है ये हमें समझ गया, बट कैसे कोई कोई टर्म रहता है जहां पे अरेंजमेंट के लिए प्रॉब्लम होता है, सो वहां पे देखो कैसे सॉल्व करोगे वो सम को।
एक मिनट आ, देखो ये जो है सेकंड सम 4x+3/2x+1 है. लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x+3/2x+1 इंटू डीएक्स. अब यहां पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों का पावर क्या है, सेम है. सो अब जैसा डिनोमिनेटर है, वैसे किसको कन्वर्ट करोगे, न्यूमरेटर को. ठीक है, वैसे ही हम लोग किसको कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर को भी कन्वर्ट करेंगे. बट यहाँ पे देखो अरेंजमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 times है, यहाँ पे 4 times है. 2 common भी नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे 2x हो जाएगा करके. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर आप लोग 4x को 2x+2x लिखो और 3 को 2+1 लिखो, या फिर देखो आपको पेज नंबर ओपन करोगे अगर मैथ्स, ये जो है पेज नंबर 98 ओपन करोगे, पेज नंबर 98 ओपन करोगे तो उसमें एक सॉल्व एग्जांपल है. सॉल्व एग्जांपल देखो इसी के मेथड जैसा सॉल्व किया है. ये देखो यहाँ पे दोनों का पावर सेम है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है. तो इसको सॉल्व कैसे किया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर. ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज मैं एक दूसरा मेथड बताता हूं. कौन से मेथड? हाँ बोलो. अगर ऐसे टाइप का सम आ गया तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लो, अदरवाइज मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, उस टाइप से सॉल्व करो. ठीक है, सो ये क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर. ये जो है ये एक टाइप हो गया. और जो सेकंड टाइप है वो है, अगर कभी भी याद रखो ऐसे टाइप का सम आ जाता है तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखोगे प्लस बी लिखोगे. ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, यहाँ पे ए और बी जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट. ठीक है, ए और बी क्या है, यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म्स है. सो आई इज इक्वल्स टू 4x+3/2x+1 है. सो ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए डिनोमिनेटर, ए डिवाइड डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस क्या है, बी है. सो न्यूमरेटर के प्लेस पे देखो कौन है, 4x+3 है. सो 4x+3 इक्वल्स टू ए इंटू डी अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर क्या है 2x+1, बी जो है वैसे रखो. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. ए वैसे ही रहेगा, अच्छा 2 जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो 2 बाहर आ जाएगा. x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और 1 का डेरिवेटिव. So, ये क्या आ जाएगा 4x+3. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं. क्या कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1. अच्छा देखो ये साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट टर्म है. सो यहाँ पे जो दोनों है ये दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल है नहीं. इसका मतलब ये जो वेरिएबल है यहाँ पे, एक मिनट, वेरिएबल का टर्म तो मिसिंग है यहाँ पे. बी डिवाइड एक्स डिनोमिनेटर कर देंगे तो उससे भी वही आ जाएगा. एक मिनट हाँ, सिर्फ ये मेथड से थोड़ा सा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 आ रहा है. कांस्टेंट टर्म जो है ना वो 0 आ रहा है. एक मिनट सिर्फ रुकना. हाँ सिर्फ एक मिनट आप लोग, मैं कोई दूसरा मेथड बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ये है कि अगर उस मेथड से भी हो जाएगा तो इजी हो जाएगा.
वैसे भी शुल में वो लास्ट ईयर में था मेथड आप लोगों को, एक मिनट आओ ये मेथड से ना क्या हो प्रॉब्लम हो रहा है कि ये यहाँ पे जीरो आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का टर्म मिल ही नहीं रहा है, तो वेरिएबल का टर्म नहीं मिल रहा है सो इसका वैल्यू जो है वो जीरो आ जा रहा है। तो एक काम करते हैं ये वाला ही फॉर्मूला हम लोग भी यूज करते हैं जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के लिए था, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर वाला ये फॉर्मूला यूज करो। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होता है वो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4x प्लस 3 को डिवाइड करते हैं 2x प्लस 1 से, तो 4x को पहले डिवाइड करो 2x से, तो 4x को अगर हमने 2x से डिवाइड किया x और x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 2, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 2, ये डिवीजन आता है ना सबको? यस सर। हाँ सो 2 इंटू 2x करो बराबर 2 इंटू 2x करोगे तो क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, और 2 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये माइनस और ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, इतना समझा सबको? Yes, sir. हाँ तो अब ये फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो न्यूमरेटर का पार्ट क्या है 4x प्लस 3 है और डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या मिला क्वेश्चन हमें 2 मिला, रिमाइंडर क्या मिला 1 अपॉन क्या है डिनोमिनेटर 2x प्लस 1, समझा सही है? Yes, sir. अच्छा तो इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब क्या है, ये पूरे टर्म को हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, सो i इज इक्वल्स टू, अब हम लोग ये जो क्वेश्चन था ना 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 उसकी जगह पे अब हम लोग ये वाला पार्ट लिखेंगे, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर दो, 2 जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1 का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू dx आ जाएगा, समझा इतना? एक सम और इस पे करेंगे तो और इजी हो जाएगा फिर, ये समझा कि नहीं समझा आप लोगों को? समझा सर, समझा। हाँ वो दूसरा मेथड एक मिनट में बताता हूँ, दूसरा मेथड भी एक था वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ये देखो ये जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया, तो ये वाला एक मेथड हो गया, एंड ये जो है हमें क्या मिला 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 मिला, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod of, हाँ log mod of x हो जाता है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है ना उसी से डिवाइड कर देने का प्लस c, ये हो गया सम, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है ना उसी से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, एक बार सम देख लो, महालक्ष्मी समझा आप ये? हाँ सर। हाँ इसको एक मैं दूसरे मेथड से बताता हूं आप लोगों को, देखो उस मेथड से भी आप लोग सॉल्व कर लो, मैं बट दूसरा सम बता रहा हूं मतलब कैसे थर्ड सम भी कंप्लीट हो जाए अपना। थर्ड सम है यहां पे, लेट आई इज इक्वल्स टू, डिवाइड बाय टू, यहाँ पे प्राची जो है डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव में, और इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से जो है डिवाइड करते हैं, जैसे साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 3 cos 3x होता है ना, तो वैसे इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड करते हैं, 5x प्लस 2 अपॉन क्या है यहाँ पे 3x माइनस 4 है इंटू dx है, इंटू क्या है dx है। अच्छा सेकेंड मेथड देखो क्या है, तो जब ऐसा मतलब टाइप का सम आता है अरेंजमेंट के लिए, तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसे फॉर्मेट में लिखो a डिनोमिनेटर प्लस b, d बाय dx मत लिखो, ए डिनोमिनेटर प्लस बी, सो देखो डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है 3x माइनस 4 है और b का पार्ट क्या है
यहाँ पे ये तो कॉन्स्टेंट है, न्यूमरेटर क्या है 5x + 2, इतना समझाइए। यस सर। हाँ, इस मेथड से आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो, ए और बी का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करो, 3ax हो जाएगा माइनस 4a + b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5x + 2। अच्छा, दोनों साइड में देखो वेरिएबल आ जा रहा है, यहाँ पे ये वेरिएबल है और यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो दोनों साइड इक्वेट कर दो बाय इक्वेटिंग बोथ दी साइड्स, तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, 3a के इक्वल आ जाएगा। सो 5/3 जो है ये किसका वैल्यू हो जाएगा, a का, और माइनस 4a + b ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। हाँ, तो माइनस 4 × 5/3 + b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2। सो स्टूडेंट्स b के लिए 2 प्लस क्या आ जाएगा, 20/3, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 26/3 आ जाएगा। a और b का वैल्यू समझा कैसे फाइंड किया हमने। हाँ सर, a के लिए 5/3 है और b के लिए क्या है, 26/3 है, तो जो a और b मिला ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप कैंसिल कर सकते हैं, कैसे है? नहीं, वो पॉइंट में मत रखो, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, ये 5x + 2 = a के लिए यहाँ पे क्या मिला, 5/3, तो 5/3 ब्रैकेट के अंदर 3x - 4, और b के लिए क्या मिला, 26/3, तो जो ये पार्ट है 5x + 2 ये किसका, न्यूमरेटर का पार्ट था, तो न्यूमरेटर के प्लेस पे हम लोग ये लिखते हैं, न्यूमरेटर के प्लेस पे हम लोग ये लिखेंगे, सो r इज इक्वल्स टू 5/3 × 3x - 4 + 26/3 / क्या आ जाएगा, 3x - 4 × dx। सो जब हम स्प्लिट करते हैं तो इंटीग्रेशन में ये जो दोनों टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगा, 5/3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 26/3 × 3x - 4। कुछ समझा क्या ये टर्म? यस सर। अच्छा, अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 5/3, सो जो है 5/3 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का, 26/3 भी बहार आ जाएगा, ये 1/3x - 4 × dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस 26/3 इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log mod of 3x - 4, डिवाइड बाय किससे करोगे, 3, हाँ 3 से, प्लस क्या आ जाएगा, c। तो ये दो मेथड हो जाते हैं, 5/3x + ये 26/9 log mod of 3x - 4 + c। देख लो, फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, जो इजी मेथड लग रहा है वो उससे करो। फर्स्ट मेथड में अगर फॉर्मूला याद है तो फर्स्ट मेथड से करो, दोनों फॉर्मूले में कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, सो कभी भी याद रखो, जब पावर दोनों का सेम होता है ना तो अरेंजमेंट करना है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है तो क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट सम देखो, फोर्थ वाला सम, फोर्थ सम में let i is equals to integration of x - 2/√x + 5 × dx है। अच्छा, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भले रूट में है तो भी क्या, यहाँ पे दोनों का पावर सेम है, x का पावर देखना है हमें, x का पावर यहाँ पे भी 1 है, x का पावर यहाँ पे भी 1 है, तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही किसको कन्वर्ट करोगे, न्यूमरेटर को। सो हम लोग क्या करेंगे बताओ सर, इसमें डिनोमिनेटर का पावर 1/√2 नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो द होल अपॉन है ना, वो तो यस सर। हाँ, एक्स का पावर सिर्फ देखो, एक्स का पावर, एक्स का पावर दोनों में 1/1 ही है ना,
यस सर। हाँ ये जो है ना द होल अपॉन के लिए नहीं देखते हैं हम लोग, जो है रूट के अंदर है फिर भी यहाँ पे रूट के अंदर में जो एक्स है उसका पावर देखना है हमें, तो वो क्या है यहाँ पे एक्स का पावर वन और इसका भी पावर वन है। ओके सर। हाँ सो अब जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही न्यूमरेटर को कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये एक्स है तो प्लस फाइव करो और माइनस फाइव करो और पहले से क्या है माइनस टू है, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस फाइव और माइनस क्या आ जाएगा सेवन, और डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो अंडर रूट एक्स प्लस फाइव और यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स प्लस फाइव आ जाएगा इंटू डी एक्स। कोई डाउट अब तक? नो सर। अच्छा तो अच्छा ये बताओ रूट में नहीं है ना, तो इसको हम दो बार रूट में लिख के एक बार रूट क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस फाइव बचेगा माइनस सेवन और ये x प्लस फाइव इसका पावर डिनोमिनेटर में वन बाय टू था सो न्यूमरेटर में जाकर माइनस वन बाय टू हो जाएगा इंटू डी एक्स। कोई डाउट अब तक? नो सर। अच्छा तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है याद है आप लोगों को? इंटीग्रेशन हाँ बराबर वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। सो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस फाइव का क्या हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस फाइव हो जाएगा माइनस सेवन वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे एक्स प्लस फाइव द होल रेस टू माइनस वन बाय टू है तो एक्स प्लस फाइव द होल रेस टू क्या आ जाएगा माइनस वन बाय टू प्लस वन और डिनोमिनेटर में भी माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस क्या करोगे सी। सो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस फाइव माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव रेस टू क्या आ जाएगा वन बाय टू और डिनोमिनेटर में भी वन बाय टू प्लस सी। टू जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस फाइव माइनस टू इंटू सेवन कितना हो जाएगा फोर्टीन और ये वन बाय टू है इसका मतलब अंडर रूट एक्स प्लस फाइव प्लस सी। एक बार देख लो सब ध्यान से। कोई डाउट है इसमें? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। अच्छा देखो स्टार्टिंग से हमने पहले अरेंजमेंट क्या किया, अरेंजमेंट हमने प्लस फाइव किया और माइनस फाइव किया सो प्लस फाइव और माइनस फाइव आ जाएगा सो एक्स प्लस फाइव साथ में माइनस फाइव और माइनस टू कितना होगा माइनस सेवन तो माइनस सेवन जो डिनोमिनेटर था वो दोनों के लिए हमने स्प्लिट कर दिया। इतना समझा यहाँ पे ओमकार? हाँ सर समझ गया। हाँ तो ये देखो x प्लस फाइव है विदाउट रूट है और एक रूट में है, विदाउट रूट में है इसका मतलब उसको दो बार रूट में लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो एक बार रूट क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, एक बार रूट जो है वो क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा सो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस सेवन और ये रूट में है तो इसका मतलब इसका पावर जो है वो वन बाय टू डिनोमिनेटर में है सो न्यूमिनेटर में जाकर क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू हो जाएगा। फिर हमने दोनों में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या होगा वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा माइनस सेवन कॉन्स्टेंट टर्म है ये एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज किया उसके बाद जो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ सर हाँ समझ गया। हाँ तो ये ऐसे टाइप का सम सॉल्व कर लोगे ना आप लोग? हाँ नेक्स्ट सम देखो अभी। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस सेवन अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर एक्स माइनस वन है। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो गए तो हम लोग जो है मेथड वही यूज करेंगे जो इसके पहले वाले सम में यूज किया था, इसके पहले के पहले सम में। सो उसमें हमने कैसे सॉल्व किया था जो कौन सा मेथड से कराऊं, फर्स्ट मेथड से कि सेकंड मेथड से? फर्स्ट वन। अच्छा फर्स्ट मेथड से कराऊं। देखो फर्स्ट मेथड क्या था जो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है वो क्या है टू एक्स माइनस सेवन है और डिनोमिनेटर क्या है फोर एक्स माइनस वन है, एक रूट में है बट हमें विदाउट रूट से डिवाइड करना है फोर एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दो। सो ये क्या आ जाएगा 2x को अगर 4x से डिवाइड कर दोगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा तो 1 अपॉन 2 इंटू 4x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा
तो 1/2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 13/2। कितना समझा सबको? यस सर। हाँ अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, रूट भी आ जा रहा है ना, इसको दूसरे मेथड से ही करना पड़ेगा अपने को फिर। ये देखो कैसा लिखोगे इसको, 2x-7 is equals to a, और डिनोमिनेटर क्या है 4x-1, रूट मत कंसीडर करो, प्लस भी, तो ये क्या आ जाएगा 4ax-a + b, ठीक है। और ये क्या है 2x-7, कंपेयर करो, 4a किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, माइनस ए प्लस बी किसके इक्वल है माइनस 7 के, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है माइनस 1/2 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 7, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 7 प्लस 1/2, तो ये b का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 13/2, वही एक ही जैसा आ जाएगा बराबर, इससे भी आएगा। इतना समझा सर, फिर रूट का क्या करने का, वो नहीं बता रहा हूं मैं, इतना समझा क्या? हाँ सर इतना समझ गया। हाँ ये वाले मेथड से भी कर सकते हो, हाँ आ रहा है बराबर, क्योंकि देखो ए के लिए 1/2 है क्वेश्चन में, देखो 1/2 आ रहा है, और बी के लिए -13/2 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर में 13/2 आ रहा है, ये मेथड से भी कर सकते हो। हाँ ये पहले इतना समझा क्या? यस सर। हाँ सर। अच्छा अब इसको हम लोग ना फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो क्या हो जाएगा ये 2x-7 इक्वल्स टू ए के लिए, a के लिए 1/2 है तो 1/2 4x-1, और b के लिए -13/2 है, ठीक है। सो अब हम लोग इसको न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो i is equals to integration of 1/2 4x-1, और माइनस क्या है 13/2, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है अंडर रूट 4x-1 into dx, वैल्यूज पुट करने के बाद स्प्लिट कर दो। सो जब हम स्प्लिट करेंगे सो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x-1 अपॉन अंडर रूट 4x-1 इंटू डीएक्स, माइनस 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा 4x-1 इंटू डीएक्स। स्प्लिट कैसे किया समझा? यस सर। अच्छा इसका मतलब क्या है, 4x-1 का मतलब क्या है, दो बार रूट में है, सो एक बार रूट को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4x-1 इंटू डीएक्स माइनस 13/2, इसका मतलब क्या है 4x-1 रेस टू -1/2, ठीक है, इंटू dx। अच्छा इसके पहले वाले सम में देखा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है, और डिवाइड किससे करोगे 4 से, हाँ तो 1/4 आ जाएगा माइनस 13/2, 13/2 यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x-1 -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और डिवाइड करेंगे 4 से, इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, तो 1/16 अंडर रूट 4x-1 माइनस 13/2, यहाँ पे क्या है ये 4x-1 the whole raise to 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और into 1/4 + c। अच्छा ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो 1/16 अंडर रूट 4x-1 माइनस 13/4 और अंडर रूट ऑफ 4x-1 + c हो जाएगा। एक बार देख लो ये समझान से, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ये? एक मिनट सर। हाँ हाँ देख लो,
सो जो है ये टाइप के सम्स हमने मतलब कंप्लीट हो गया अपना. ये थर्ड का जो है फर्स्ट से फिफ्थ तक ही था. ये टाइप का जो है फर्स्ट से फिफ्थ तक ही था. सिक्स्थ सम देखो क्या है, साइन 4x है और कॉस 2x है. साइन 4x अपॉन क्या है, कॉस 2x है. देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको. लेट आई इज इक्वल टू साइन 4x अपॉन कॉस 2x इनटू dx. अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है सबको? यस. साइन 2 थीटा का बताओ क्या फॉर्मूला है? हाँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है. अच्छा अगर यहाँ पे जो भी एंगल है यहाँ पे क्या है, डबल होता है. ठीक है, डबल. और यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. अगर साइन 2 थीटा के लिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो साइन 4 थीटा के लिए बताओ क्या होगा? 2 साइन 2 थीटा, हाँ बराबर, इंटू कॉस 2 थीटा. ये फॉर्मूला आ जाएगा. इतना समझाओ. तो साइन 4x की जगह पे क्या लिखोगे, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस 2x इंटू dx. कॉस 2x और कॉस 2x कैंसिल कर दो. 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर. इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस. और डिवाइड बाय किससे करोगे, प्लस सी. 2 2 क्या, हाँ मतलब ये दो तीन लोगों का ही रिस्पॉन्स रहता है. ठीक है, उसके बाद जो है 1 प्लस साइन 5x के लिए 1 प्लस लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 5x है. साइन टू वन प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही है तो बहुत उसमें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आता है. कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर होता है. महालक्ष्मी अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर यहाँ पे माइनस पे माइनस आता है, ऐसा होता है. ठीक है, सो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर है. देखो 1 प्लस साइन 2x है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर. यहाँ पे जो भी एंगल होता है ना यहाँ पे आकर हाफ हो जाता है वो. ठीक है,